गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स क्लास एट सब्जेक्ट मैथ प्रिय विद्यार्थियों आज हम लोग चैप्टर नंबर टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो एक चर में रेखी समीकरण पढ़ने जा रहे हैं तो अब एक चर क्या है रेखी समीकरण क्या है इक्वेशन क्या है ये इन सारे चीज़ों के बारे में आपके मन में प्रश्न उठते होंगे जैसे एक एग्जांपल है टू एक माइनस थ्री इजकल टू सेवेन तो इसमें वेरिएबल क्या है यक्स है और इक्वल टू क्या है इक्वलिटी है और पूरा टू एक माइनस थ्री इजकल टू सेवन क्या है एक इक्वेशन है अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो एक इक्वेशन होता है उसमें उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसके क्या गुण धर्म होते हैं आयन एल्जरिक इक्वेशन इज आयन इक्वेलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स तो एक एल्जब्रिक इक्वेशन में एक बीजगणितीय समीकरण में एक इक्वल टू का निशान होगा जो वेरिएबल है उसके बीच में एक इक्वल टू का निशान जरूर होगा इट हैज़ एन एकवलिटी साइन यह इक्वलिटी साइन होता है बराबर का चिन्ह होता है द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज़ द लेफ्ट हैंड साइड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वेलिटी इज़ द राइट हैंड साइड तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कह रहा है जो लेफ़्ट साइड में होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड में होगा उसे राइट हैंड साइड कहते हैं इसका मतलब जो इक्वल टू के लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जो इक्वल टू के राइट right है वो राइट हैंड साइड है जैसे इस इक्वेशन में टू एक्स माइनस थ्री टू सेवन में टू एक्स माइनस थ्री लेफ्ट हैंड साइड है और सेवन राइट हैंड साइड है दूसरी प्रॉपर्टी इसकी इन आन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल तो कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होते हैं बराबर होते हैं दिस हैपेंस टू बी ट्रू वनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है वह केवल एक निश्चित वैल्यू के लिए ही वेरीफाई करेगा जैसे इसमें देखिए टू एक माइनस थ्री है टू एक माइनस थ्री टू सेवन है तो इसमें एक की वैल्यू फाइव के लिए ही वेरीफाई करेगी सर्टिफाई करेगी इसमें यक्स जैसे देखिए टू यक्स माइनस थ्री इज्कल टू सेवन है तो यक्स की वैल्यू अगर हम फाइव रखें तो फाइव टू जा टेन माइनस थ्री इज्कल टू सेवन तो टेन में से थ्री को सब करेंगे तो सेवन आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेवन होगा राइट हैंड साइड भी सेवन होगा अब एक की वैल्यू फाइव के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है तो वही कह रहा है की जो वेरिएबल है उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है एक निश्चित संख्या होती है थर्ड प्रॉपर्टी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ़ एन इक्वेशन वी एज्यूम द हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन तो जो इक्वेशन है जो समीकरण है उसका हम सलूशन कैसे निकालेंगे तो वी एज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस तो हमेशा जो है जो दोनों साइड हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमेशा बैलेंस में होता है वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन तो जो हमारा इक्वेशन है कोई भी ऑपरेशन जैसे एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चार ऑपरेशन हैं इन चारों ऑपरेशनों को हमको सेम सेम करना होगा चाहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वही कह रहा है वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन तो कोई भी इक्वेशन में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो बो साइड करना पड़ेगा और बो साइड वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके ही हम उसका फाइंड द सलूसन ऑफ द इक्वेशन हम समीकरण का सोलूशन इक्वेशन का सोलूशन निकाल सकते हैं अब ये फोर सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब जब हम बो साइड में ये चार ऑपरेशन करेंगे कौन कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये जो चारों ऑपरेशन इसमें से कोई एक कर सकते हैं जैसा हमको ज़रूरत होगी सो दैट द बैलेंस इज़ नॉट डिस्टर्ब तो अगर हम दोनों साइड ऐसा करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा अब हम एक्सरसाइज 2.1 में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करके हम सलूशन निकालते हैं ये हम एक्सरसाइज 2.1 में करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है साल द फॉलोइंग इक्वेशन x माइनस टू कल टू सेवन तो अब हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ करना है बोथ साइड कैसे करेंगे देखिए x माइनस टू है तो हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन कर दें इसका कि हमको यक्स की वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब हम कि यक्स माइनस टू में प्लस टू अगर बोथ साइड हम ऐड कर दें तो यक्स माइनस टू है और प्लस टू हो जाएगा तो माइनस टू और प्लस टू मिल के जीरो हो जाएगा तो हमको यक्स की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम बोथ साइड क्या करते हैं टू को ऐड कर देते हैं तो यक्स माइनस टू प्लस टू इजकल टू सेवन प्लस टू अब x माइनस टू और प्लस टू मिल के जीरो हो गया तो x इजकअल टू कितना हो गया नाइन हो गया तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया नाइन आया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू का y प्लस थ्री इजकल टू टेन तो अब हम देखिए हमको y की वैल्यू निकालना है तो हम ये जो चार ऑपरेशन हैं कौन कौन सा एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इनमें से कौन सा ऑपरेशन कर दें कि हमको y की वैल्यू मिल जाए तो हम एक्स प्लस थ्री में अगर माइनस थ्री बो साइड कर दें तो प्लस थ्री और माइनस थ्री मिल के ज़ीरो हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री इजकल टू टेन माइनस थ्री तो वाई इजकल टू टेन में से थ्री सब टाइट हो गया तो सेवन हो गया अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में सिक्स इजकल टू जेड प्लस टू दिया है अब हम इसमें क्या करें अब देखिए जेड प्लस टू हमको z की वैल्यू निकालना है वेरिएबल तो z है z की वेरिएबल z वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर दें इस इक्वेशन में टू को सब कर दें सबटाइट टू टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन तो x माइनस टू इजकअल टू जेड प्लस टू माइनस टू तो प्लस टू और माइनस टू जो है वो मिलके जीरो हो गया तो z इजक्ल टू फोर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर में एक्स प्लस सेवन अप थ्री थ्री अपान एक्स क्वेश्चन नंबर फोर एक बार फिर से देखिए थ्री अपान सेवेन प्लस एक्स इज कल टू सेवेंटीन अपान सेवन तो अब थ्री अपान सेवन है हमको एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट right हैंड का लेफ्ट हैंड साइड भी करने का ये रूल है तो जब भी कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी तो उसका सिंबल बदल जाएगा अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो हम वही काम कर रहे हैं ट्रांसपोजिंग थ्री अपान सेवन टू द राइट हैंड साइड थ्री अपान सेवन को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक इजकल टू सेवेंटीन अपान सेवन माइनस थ्री सेवन तो सब टाइट कर देंगे डी सेम है सेवन सेवन है तो सेवेन्टीन में से थ्री सब टाइट हो जाएगा फोरटीन बचेगा फोर्टीन अपान सेवन है तो अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं सेवन वन जावन सेवन टू जा फोर्टीन तो यक्स इजकल टू कितना हो गया टू हो गया अब क्वेश्चन नंबर फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव में सिक्स या, यक्स सिक्स यक्स इजकल टू ट्वेल्व दिया गया है अब हमको एक की वैल्यू यक्स वेरिएबल की वैल्यू पता करना है तो क्या कर दें हम सिक्स का डिवीजन कर दें बो साइड सिक्स का डिवीजन कर दें तो हमको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो डिवाइडिंग बो साइड बाई सिक्स सिक्स यक्स अपान सिक्स इजकल टू ट्वेल्व अपान सिक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में सिक्स से सिक्स कट गया और राइट हैंड साइड में इसको सिंप्लीफाई कर दिया सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा टल्व तो यक्स इजकल टू क्या हो गया टू हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स में टी अपान फाइव इजकल टू टेन दिया गया है इसमें हम कौन सा ऑपरेशन कर दें मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बो साइड हम फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई बो साइड बाई फाइव तो t अपान फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज्कल टू टेन मल्टीप्लाई फाइव तो फाइव से फाइव वो सिंप्लीफाई कर दिया तो कट गया तो t टी स्कल टू कितना हो गया टेन फाइव या फिफ्टी क्वेश्चन नंबर सेवन में टू एक्स अपान थ्री इज्कल टू एटीन दिया है तो अब हम इसमें अपने से सोचेंगे देखेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर दें कि हमको यक्स की वैल्यू पता चल जाए हमको यक्स की वैल्यू ही निकालना है तो देखिए अगर हम इसमें थ्री का मल्टीप्लाई वो साइड कर दें तो थ्री से थ्री डिनोमिनेटर कट जाएगा मल्टीप्लाई वो साइड बाई थ्री तो टू एक अपन थ्री मल्टीप्लाई थ्री इजकल टू एटीन मल्टीप्लाई थ्री थ्री से थ्री कट गया तो बचा क्या टू एक टू फिफ्टी फोर हो गया अभी भी हमको एक की वैल्यू नहीं मिली तो हम क्या कर दें टू का डिवीज़न कर दें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू तो टू एक अपन टू इजकअल टू फिफ्टीन अपिफ्टी फोर अपान टू तो टू से टू कट गया और ये सिंप्लीफाई कर दिया टू वन जा टू और टू टू जा फोर और वन बचा टू सेवन जा फोर्टीन ट्वेंटी सेवन आ गया तो यस इजकल टू कितना हो गया ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर एट में वन वन पॉइंट सिक्स इजकल टू वाई अपन वन पॉइंट सिक्स फाइव है तो हम इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें कि हमको वाई की वैल्यू मिल जाए देखिए हम 1.5 का बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डी 1.5 हट जाएगा तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1.5 तो 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव टू वाई अपॉन वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव से कट गया और वाई इजकल टू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई इजकल टू हमको मिला क्या टू पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर नाइन में सेवन एक्स माइनस नाइन इजकल टू सिक्सटीन दिया गया है अब हम इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें कि हमको x की वैल्यू मिल जाए तो हम माइनस जो नाइन है नाइन को हम राइट हैंड साइड में भेज दें तो ट्रांसपोजिंग नाइन टू राइट हैंड साइड सेवन एक्स इजकल टू सिक्सटीन प्लस नाइन तो 7 इज इज इजकल टू सिक्सटीन और नाइन मिल के ट्वेंटी फाइव हो गया तो अब हम इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें कि हमको एक्स की वैल्यू मिल जाए हम सेवन एक्स दिया है तो इसका मतलब सेवन से हम इसमें डिवाइड कर दें तो सेवन से सेवन कट जाएगा तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सेवेन सेवन एक्स अपान सेवन टू ट्वेंटी फाइव अपान सेवन तो सेवन से सेवन कट गया तो बचा क्या यक्स यक्स इजकल टू ट्वेंटी फाइव सेवन क्वेश्चन नंबर टेन 14y वाई माइनस एट इजकल टू थर्टीन है हमको y की वाई की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें एट को राइट हैंड साइड में भेज दें तो इसके लिए क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिंग ए टू राइट हैंड साइड तो 14y वाई इजकल टू थर्टीन प्लस एट तो 14y वाई इजकल टू थर्टीन और एट मिलके के ट्वेंटी वन हो गया अभी भी y की वाई की वैल्यू हमें नहीं मिली तो क्या करें हम इसमें 14 का डिवीजन कर दें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 14 तो फोरटीन वाई अपान फोरटीन इजकल टू ट्वेंटी वन अपान फोरटीन तो फोरटीन से 14 कट गया और ट्वेंटी वन और फोरटीन को सिंपलीफाई कर दिया हमने तो सेव सेवन से डिवाइड कर दिया हमने सेवन टू जा फोर्टीन और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन तो वाई इजकल टू क्या हो गया थ्री अपॉन टू तो ऐसे ही एक्सरसाइज टू टू पॉइंट वन आप कर लेंगे तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको समझ में आया होगा तो एक्सरसाइज टू पॉइंट वन आप करेंगे इसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे